फॉल आर्मीवर्म। अमरीकी मूल का यह विनाशकारी कीट साल 2018 में भारत में पाया गया। इस कीट का प्रकोप मक्का, ज्वार, धान, गेहूं, गन्ना, रागी, नेपियर ग्रास इन फसलों के साथ साथ 150 से अधिक अन्य वनस्पति प्रजातियों में पाया गया है। यह कपास और सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट के पतंगे एक रात में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। उड़ने की क्षमता अच्छी होने से यह कीट किसानों के लिए खतरा बन चुका है। कीट का प्रकोप फसल के शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक कभी भी हो सकता है। मादा पतंगे अपने जीवन काल में 1000 से अधिक अंडे दे सकती है। अंडों से बाहर निकली इलियां फसल के पत्ते खुरदने लगती है, जिस कारण पत्तों पर सफ़ेद खिड़कियां बन जाती हैं। जैसे ही इलियां बड़ी होती है तो मक्के के तने में घुसकर पूरा पौधा खराब करती है। नए निकलने वाले पत्ते जालीदार दिखते हैं। भुट्टे लगने के बाद भुट्टे में घुसकर इली नुकसान करने लगती है। एक इली पूरा पौधा नष्ट करने के लिए काफ़ी होती है। एक बार इस विध्वंसक कीट का प्रकोप हो गया तो पूरा नियंत्रण पाना लगभग मुश्किल होता है। इस हानिकारक कीट को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन की विधियां इस्तेमाल करना जरूरी है। इसकी शुरुआत आप FAWLUR और फनेल ट्रैप के साथ कर सकते हैं। FAWLUR इस कीट के नर पतंगों को आकर्षित करेगी। आकर्षित हुए पतंगे फनेल ट्रैप में फंसकर गिरते हैं। ट्रैप में फंसने के बाद पतंगों के पंखों पर फनेल ट्रैप में डाली गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर चिपक जाती है। पतंगों का उड़ना बंद होता है। इस तरह से कीट के जीवन चक्र में बाधा डाली जाती है और आगे बढ़ने वाला खतरा टलता है, जो होने वाले नुकसान और बढ़ती कीटनाशकों की लागत कम करता है। अमेरिकन लश्करी कीट के प्रबंधन की शुरुआत हमेशा फेरोमोन ट्रैप के इस्तेमाल से करें और कीट के प्रकोप से बचें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या www.greenrevolutions.in पर भेज दें।